करता है, ब्रेन डिसाइड करता है। अब सर जी ब्रेन ही खराब हो चुका है तो हमेशा विदाउट कारण के उल्टी हो जाएगी। आप ऐसे कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, कहीं और चले जाओगे, कहीं और बड़बड़ाने लगोगे, कभी कुछ कभी कुछ। ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर किया जाता है किससे? ऑपरेशन से। किससे? ऑपरेशन से किया जाता है। लगता है तब ये ऑपरेशन करता है, नहीं तो आपको दवा देता है, मेडिसिन देता है। हाँ, बस इतना बनी हुई कि इसको कंट्रोल किया जाए। व्हाट इज द ब्रेन ट्यूमर? तो ब्रेन मतलब होता है दिमाग या माइंड, ट्यूमर मतलब होता है गांठ। क्या होती है? गांठ। ब्रेन ट्यूमर यानी कि दिमाग में गांठ। तो कैसे, हाउ कैन दिस पॉसिबल, यह कैसे संभव है? तो देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी इस ब्रेन ट्यूमर के पहले। यानी कि हमको ब्रेन ट्यूमर पढ़ने से पहले हमको किसके बारे में, हमारे इस भेजे के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो बिना भेजे के बारे में जानकारी लिए हुए आप ब्रेन ट्यूमर के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो पहले कुछ ब्रेन के बारे में बताते हैं, उसके बाद में आप डायरेक्टली मैं बताऊंगा आपको ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है। तो सबसे पहले चलते हैं भेजे के बारे में, अपने ब्रेन के बारे में जानकारी लेने के लिए। गाय, जो हमारा ब्रेन होता है वो कहाँ पे होता है? हमारी इस खोपड़िया में होता है। किसमें? खोपड़िया में। खोपड़िया यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर जिसमें आपको ये बाल झोंझे जैसे बाल दिख रहे हैं, इस बाल को जब निकालोगे आप, छीलोगे तो उस पर एक स्किन दिखेगी, चमड़ी। चमड़ी के बाद में इसको बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। अब हिंदी में बोलते हैं भैया कपार, कपड़वा फूट गई लो, ऐसे कि ना मार दिए लगा डीटा उठा के कपार पर फूट जाए। तो ये क्या होता है? कपार। तो कपार के अंदर में क्या होता है? यही भेजा होता है, जिसको हिंदी बोलते हैं भेजा। होता क्या? हॉट इज द भेजा, यही होता है। कपार के अंदर जो पाया जाता है न्यूरॉन सेल, उसी को बोलते हैं भेजा। तो भेजे के अंदर में गांठ बनना, भेजे के अंदर में गांठ बनना ही ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। तो कैसे होगा? यानी कि अगर हमारा भेजा स्वस्थ है तो ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तभी ब्रेन ट्यूमर होगा। तो ब्रेन ट्यूमर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहता है? तो ब्रेन ट्यूमर मतलब होता है दिमाग का कैंसर। तो ये दिमाग का कैंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होती है? तो गाइस, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे इस शरीर से होती है, बॉडी से होती है। अब ये बात तो है कि हमारा जो है भेजवा है, ये कपाल है, पूरी खोपड़िया है, ये किसमें है? हमारे शरीर का ही एक अंग है। ओके, तो इसको छोड़ो, यहाँ से कट इस काट के निकाल दो। अब नीचे पढ़ते हैं, नीचे यानी कि हमारे इस सर से नीचे, यहाँ से गले से नीचे। तो गले से नीचे अगर कहीं भी आपको कैंसर होगा, कुछ ऐसे खास अंग होते हैं जिसमें कैंसर होने की वजह से हमारे ब्रेन में भी कैंसर हो जाता है। सबसे पहला अंग होता है हमारा फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा, जिससे हम लेते हैं सांस। तो गाइस, ये हमारा हो गया दिमाग। क्या हो गया? दिमाग, जिसको अभी हमने बताया भेजा। भेजा कहाँ पे होता है? इस कपाल के अंदर में होता है। अब इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन सेल। क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं। अब ये न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं गाइस, तो ये न्यूरॉन सेल करते क्या हैं? हमारे इस माइंड को रीड करते हैं, रीड करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। अभी हमने कल वाली वीडियो में ये पूरा प्रॉपरली बता दिया है। उसमें हमने बताया था ज़्यादा थिंकिंग यानी भूलने की बीमारी में, यानी जिसको बोलते हैं ब्रेन अल्जाइमर के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो अगर वो कल वाली वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो सजेशन में आपको वीडियो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप किसी पर क्लिक करके आप वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा ब्रेन होता क्या, व्हाट इज द ब्रेन, ब्रेन की संरचना कैसे होती है। मैं टोटली उसमें बताया हूँ कि जैसे कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे? ब्रेन, ब्रेन के किस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? न्यूरॉन सेल, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन कोशिका। अब इसमें सूचना का आदान प्रदान कौन करता है? सोडियम, जिसको बोलते हैं एनए। क्या बोलते हैं गाइज? एनए प्लस। अब एनए प्लस का काम क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान होना। यहीं पर जस्ट क्या होता है, ये न्यूरॉन सेल सड़ने लगती हैं, सड़ने लगती हैं गाइज, सड़ने लगती हैं। तो ये क्या होता है? धीरे धीरे करके ये गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो कैंसर होता है वो क्या होता है? सेल डिवीजन ज़्यादा होने के कारण कैंसर बनता है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन ज़्यादा होने के कारण कैंसर का रूप ले लेता है। कई सारी वीडियो में देखे होंगे, कई सारे टीचर बताए होंगे, लेकिन बट हमारे ब्रेन में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे इस ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल पाई जाती है इसमें सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होती, यानी कि ये अपने आप दूसरा निर्माण नहीं कर पाता है, यानी कि अपने जैसे कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। जो जन्म से बन जाता है बस वही बढ़ जाता है, वही बढ़ता रहता है बस, बाकी उसी में स्टोरेज रहती है, उसी में सब कुछ रहता है, सब कुछ मेमोरी वही होती है। उसमें ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब दूसरा चिप निकाल के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लैपटॉप चलाते हो ना, हार्ड डिस्क खराब होती है तो उसका हार्ड डिस्क आप निकाल के चेंज कर देते हो, दूसरी ला के डाल देते हो, चलने लगता है परफेक्ट।
लेकिन जस्ट हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये ब्रेन खराब हो चुका है, ये न्यूरॉन कोशिकाएं खत्म हो गई, अरे काट के निकालो यार, इसमें दूसरी डालो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, आप उसमें जुड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए ब्रेन का ऑपरेशन जल्दी से नहीं देखे होंगे। ओके, बहुत रियर केसों में ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है तो क्या किया जाता है, आपको सीधा आपके खर्रे पे लिखवा लिया जाता है, एक रिपोर्ट बनवाई जाती है, उस पर लिखवा ली जाती है। ऑपरेशन करते समय अगर मरीज को कुछ भी हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, या पेशेंट द्वारा स्वतः ही लिया गया है, ये कहा गया है कि ऑपरेशन कीजिए। ओके, ये सब चीज़ें पूरा लिखवा लिया जाता है। वैसे तो आप किसी भी हॉस्पिटल जाइए, कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करवाइए, सब पहले लिखवा लेता है डॉक्टर। लेकिन इस ब्रेन वाले केस में, बहुत रियर केसों में ऑपरेशन करता है अगर उसको लगता है तो आप समझ गए ना क्या होता है ब्रेन ट्यूमर यानी कि ब्रेन का कैंसर। तो ये क्या होती है, जब ये ब्रेन की कोशिकाएं यहाँ से सड़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, तो ये जब यहाँ पे सड़ेंगी तो इसमें क्या बनेगा, पस बनेगा, मवाद बनेगी, तो ये क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएगा, क्लॉट मतलब थक्का बनना। तो आप अगर नहीं समझे हो तो आप अपनी नस अभी काटिए और एक गिलास में निकालिए ऐसे करके, आ हा हा, उसके बाद में उसमें क्या डाल दीजिए, आप कुछ डालना नहीं है, बस 10 मिनट ऐसे आप रख दीजिए हवा में, उसमें एक लकड़ी डाल के ऐसे से, लकड़ी चम्मच या कुछ चीज़ें ऐसे से डाल के उसको ऐसे हिलाइए बस। तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन लगेगी तो वहाँ का क्या मरेगा, हेपरिन मरेगा, तो खून से थक्का बन जाएगा। वहाँ पे जो है ब्लड में पानी जो होता है वो अलग हो जाएगा, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, ब्लड पूरा ऐसे क्लॉट हो जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब एक में चिपक जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे होता है, जब ये न्यूरॉन सेल सड़ने लगती है और इसके बाद में यहाँ पे ये गोल गोल होकर इकट्ठा होकर थक्का बनने लगती है और अपने आप गुच्छा बनाने लगती है। अब गुच्छा बनाएगी तो गैस ये कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए, ये तो पक्का बात है, कहीं ना कहीं से इसको निकलना चाहिए। अब निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, निकलने के लिए कहाँ से निकलेगा, ये तो पूरा ऊपर से एकदम पूरा टाइट है, कड़क है, तो कड़क है गाइस, जहाँ पर कड़क होता है ना उसको वो फिर धीरे धीरे करके लूज होने लगता है। कैसे होता है वो देखिए, ये सड़ने लगा, अब ये बची ऊपरी वाली परत जो कपाल जिसको बोलते हैं, अब ये इसमें भी सड़न पैदा करने लगा। अब इसमें सड़न पैदा करने लगा तो क्या होगा, ये जो ऊपर की स्किन है हमारे, इसमें जिसमें बाल छीलने के बाद में ऊपर वाली स्किन दिखती नहीं, ऊपर वाली त्वचा, ऊपर वाली चमड़ा, उस पर आ जाती है। तब ये क्या होता है, अंदर का ये सड़ चुका होता है, फिर ये ऊपर से बाहर से उभार हो जाता है, जिससे इसमें मवाद बनती रहती है, पस बनती रहती है और धीरे धीरे से उभार बन जाता है। तो हमारे सर के ऊपर से गांठ नुमा निकलने लगती है, क्या गांठ नुमा निकलने लगती है, उसको दबाने वैसे पिल पिल लगता है। ओके तो क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, उसी को बोलते हैं ब्रेन का कैंसर। तो वैसे रियर केसों में ये ऊपर आता है, बाकी जो है अंदर में ही रह जाता है। अंदर में इसलिए रह जाता है क्योंकि ये हमारा जो कैल्पस खोपड़ी के ऊपर का है ना, इसको बोलते हैं कैल्पस, क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं, सॉरी गाइस कपाल बोलते हैं, ये कपाल क्या करता है, इसको अंदर ही दबा देता है। तो ये क्या होता है, अंदर ही सड़ने लगता है। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे हमको जो हमारा दिमाग नहीं काम करता है, अनवांटेज में उमेटिंग होने लगती है, उमेटिंग मतलब उल्टी होने लगती है बिना कोई कारण, बस वैसे तो उल्टियाँ बहुत रियर केसों में होती हैं, कोई कारण दिखता है तभी उल्टी होती है। मान लीजिए जैसे जा रहे हो, बगल में कुछ मरा हुआ है, उसकी अजीब सी स्मेल आ रही, आपको उल्टी हो जाएगी। आपको जो चीज़ नहीं खाते हो उसको खिला दिया जाएगा तो उल्टी हो जाएगी। तो हमारा ये सब काम कौन करता है, ब्रेन डिसाइड करता है। अब साल जी ब्रेन ही खराब हो चुका है तो हमेशा विदाउट कारण के उल्टी हो जाएगी। आप ऐसे कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, कहीं और चले जाओगे, कहीं और बड़बड़ाने लगोगे, कभी कुछ। ओके तो ये सब चीज़ें होंगी। हाँ, अब बात करते हैं इलाज के बारे में। क्या बात करते हैं, इलाज किसके बारे में, इलाज के बारे में बात करते हैं। तो इलाज वैसा कोई ऐसा हो ही नहीं, मतलब ऐसा भी इलाज बना नहीं है एक बार ब्रेन ट्यूमर होने के बाद में या ब्रेन कैंसर होने के बाद में इसका कोई इलाज हो सके। ओके, बस यही होता है लास्टली, चारा यही बचा रहता है कि आपका कैंसर कैंसर का ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया जाता है किससे ऑपरेशन से किया जाता है, वो भी लास्टली, उसमें ना के बराबर चांस रहता है आप जिंदा रहो या ना रहो। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, अगर ये बढ़ने लगता है तब ये ऑपरेशन करता है, नहीं तो आपको दवा देता है, मेडिसिन देता है। हाँ, बस इतना बनी हुई कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक ही मात्र इलाज है, वो घरेलू इलाज के बारे में बात करते हैं। डॉक्टरी इलाज तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, वही बताएगा आपको क्या आपकी मेडिसिन चलानी पड़ेगी, क्या चीज़ें चलानी पड़ेगी। वैसे तो आपको डॉक्टर ये नहीं बताता है कि हाँ भाई साहब आपका ब्रेन ट्यूमर है तो आपका कोई इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन हाँ बस इलाज उतना है कि आपको ये रोक सकता है।
ओके, ये रोक सकते हैं, इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो कैंसर जो ऐसी ऐसी घातक बीमारी होती है जिसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, तो हम इलाज बता रहे थे, तो इलाज में क्या होगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा। अभी योगा में कई प्रकार के योगा होते हैं, उन योगाओं को करना पड़ेगा। योगा करने से आपको क्या होगा, आपके अंदर में आपके ब्लड सर्कुलेशन मस्त रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन मस्त रहेगा यानी कि ऑक्सीजन मस्त रहेगा, यानी कि जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो आपके माइंड में ऑक्सीजन प्रॉपरली जाएगा, ऑक्सीजन जब प्रॉपरली जाएगा तो क्या होगा, हमारा माइंड अच्छे से वर्क करेगा। जब माइंड हमारा अच्छे से वर्क करेगा तो हाईली वर्क करने की वजह से हमारा माइंड में जो कुछ चीज़ें कमियाँ रहती हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, आपको सोचने समझने की क्षमता मस्त डेवलप होगी, और जो आपको बार बार वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ होती रहती थी वो भी कम हो जाएंगी। बाकी तो ये कैंसर जो है ये रहेगा ही, इतने में ही यहीं पे ये थम जाएगा, बाकी जितने भी यहाँ के न्यूरॉन सेल हैं वो स्वस्थ हो जाएंगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आपको संतुलित आहार लेना, तो आप संतुलित आहार खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी वेल मेंटेन रहेगी, आपके बॉडी में कोई खराब कमी नहीं रहेगी, किसी भी प्रोटीन की किसी भी बीमारी भी नहीं होगी, और आपका ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा, आपका जो ब्रेन ट्यूमर है वहीं पर रुक जाएगा। ओके गाइस, तो ये छोटी सी जानकारी होगी ब्रेन ट्यूमर के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय।